हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं बनाने जा रहा हूँ ब्रोकली। उसमें थोड़ा गाजर एंड बीन्स मैंने थोड़ा ऐड करे हैं। ये ब्रोकली बोले तो हरी गोभी, थोड़ा गाजर और ये बीन्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। मैं इनको बनाऊंगा थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल स्टाइल में। ये मेरा पानी गर्म हो चुका है, इसमें डालूंगा मैं 2 चम्मच नमक। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा रखना, ज़्यादा रखना, ताकि क्योंकि दोबारा नमक डालने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद डालूंगा मैं इसमें गाजर डालूंगा। पानी एकदम बॉयल होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा बीन्स, लास्ट में डालूंगा मैं इसमें ब्रोकली, क्योंकि ये जो गाजर बीन्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, ब्रोकली ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। ये देखो, ये ब्रोकली गाजर सबने कलर छोड़ दिया अपना, और ये अच्छे कलर में आ चुके हैं। अब मैं इसको छान दूंगा। उस ये देखो, छानने के बाद कैसे कितना प्यारा कलर आया इसका। अब मैं इसको अगला प्रोसेस बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। ये मैंने इसके लिए वेजिटेबल के लिए नॉन स्टिक पैन लिया है। थोड़ा ऑयल डालूंगा मैं इसमें, और गार्लिक। गार्लिक क्या है, इस टाइम जितना ज़्यादा डालोगे उतना बढ़िया है, अच्छा बनेगा वेजिटेबल। गार्लिक ब्राउन हो जाए, हल्का हल्का सा घुमाओ। अब मैं इसमें डालूँ 2 चीज़ खाली। एक डालूंगा हल्का सा नमक, हल्का बिल्कुल, और तो और ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च मैंने कूट रखी है। बस ये मैं कितना, मेरे पास काली मिर्च है सारी डाल दी मैंने। नमक थोड़ा, मैंने सब्ज़ी बढ़ाई थोड़ा नमक बड़े उसमें बढ़ा दिया। ये मेरा वेजिटेबल रेडी है। जो डाइटिंग कर रहे हैं और हेल्थी खाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये वेजिटेबल रेडी है। ये मेरी ब्रोकली रेडी हो चुकी है। कुछ नहीं डालना है इसमें, पहले बॉईल करना है इसको। तो हल्का सा तेल डालना है, गार्लिक जितना ज़्यादा हो सके डालो। उसके बाद हल्का सा नमक और काली मिर्च, बस उसके साथ इसको मिला देना मिक्स करके। ये देखो, खाओ, हेल्दी रहो फिर। अब देखो कितना प्यारा कलर आ चुका है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।